गुड इवनिंग। आज हम लोग चैप्टर ले रहे हैं द हेयर कट, क्लास सिक्स का है। चैप्टर नंबर वन है न्यू इमेजेस का। इट इज़ बेसिकली लिटरेचर बुक का है। तो इस चैप्टर में एक गर्ल होती है, जो छोटी सी गर्ल है, उसको जब उसके गेस्ट लोग उसके ऊपर कुछ कमेंट्स करते हैं, बालों के बाल जब उसके बिखरे रहते हैं, ठीक से कॉम्बिंग नहीं की होती है, तो काफ़ी बड़े बड़े बाल हो गए थे, तो उसको उनके सबके कमेंट से परेशान होकर वो अपने हेयर काट लेती है। और वो हेयर अपने खुद से काटती तो थोड़े टेढ़े मेढ़े कट जाते हैं। और उसके बाद का क्या सीन होता है इसमें, ये सब उसमें चैप्टर में बताया है, कैसे लोग अगेन उसको ऊपर अगेन से सब कमेंट्स करते हैं, एंड कौन उसको उसका साथ देता है कि भाई जो किया तुमने सही किया करके। तो इस तरह से पूरी स्टोरी है, तो थोड़ी इंटरेस्टिंग है एंड पढ़ने में भी अच्छी लगती है। तो ध्यान से सुनेंगे तो अच्छी लगेगी आपको। इसकी जो राइटर हैं वो जॉर्ज एलियट हैं, एंड एक एपिसोड था जो लिया गया द मिल ऑन द फ्लॉस, जो जॉर्ज एलियट ने लिखी थी, अबाउट ए यंग गर्ल। ओके, नाउ जब स्टोरी चालू करते हैं, गो एंड स्पीक टू योर आंट्स एंड अंकल्स माय डियर, सेड मिस्टर टुलिवर। मिस्टर टुलिवर की डॉटर है, हाँ, वो अपने बच्चों को बोलती है अपनी आंट्स और अंकल से जाके मिलो जो एज ए गेस्ट आए हुए हैं, लुकिंग एनेक्सियस एंड मेलनचोरिक। मेलनचोली का मतलब थोड़ा सैड होते हैं वो। शी वॉन्टेड टू विस्पर टू मैगी टू गो एंड हैव हर हेयर ब्रश्ड। तो अपने हेयर को वो अपने ब्रश करने के लिए बोलती है मैगी को। मैगी जो गर्ल का नाम है, तो उसकी मदर है, वो बोलना चाहती है। ओके, नाउ शी वॉन्ट, ओके, वेल एंड हाउ डू यू डू एंड आई होप यू आर गुड चिल्ड्रन। तो उनके जो गेस्ट आए थे वो बोलते हैं, आर यू, तो कैसे हो तुमको, अच्छे चिल्ड्रन हो करके बोले। और कौन बोली, आंट क्लैक। आंट क्लैक जब उनके पास गए तो वो जाके बोली इन ए लाउड एम्पैथेटिक वे। एम्पैथेटिक मतलब फोर्सफुल वे में, थोड़ी ऊंची आवाज़ में वो बोलती है, एज शी टुक हर हैंड्स हर्टिंग देम विद दी हर लार्ज रिंग्स। और जब उन्होंने बच्चों के हाथ पकड़े तो उनकी जो बड़ी बड़ी रिंग थी वो इनको हर्ट करी थी, एंड किसिंग देयर चिक्स मच अगेंस्ट देयर डिज़ायर। वो जो उनके चिक्स को थोड़ा किस कर रही थी, बट ये लोग नहीं चाहते थे, मतलब वो थोड़े इंटरेस्टेड नहीं थे। लुक अप टॉम, टॉम जो उसका ब्रदर था मैगी का, बॉयज़ एज़ गो टू द बोर्डिंग स्कूल, एज़ का यहाँ स्टार दिया, मतलब जो बॉयज़ जो बोर्डिंग स्कूल जाते हैं शुड होल्ड देयर हेड्स अप। टॉम ने थोड़ा सर नीचे किया हुआ था, तो उसको बोला कि अपना सर ऊपर करो, जो बच्चे बोर्डिंग स्कूल में जाते हैं वो अपना हेड ऊपर रखते हैं, हेड हाई रखते हैं। लुक एट मी नाउ, टॉम ट्राई टू ड्रॉ हिज हैंड्स अवे, तो अपने हाथ खींचने चाह रहा था पीछे। पुट योर हेयर बिहाइंड योर ईयर्स मैगी, मैगी को लोग बोले तुम्हारे हेयर जो है ईयर के पीछे करो, एंड कीप योर फ्रॉक ऑन योर शोल्डर, अपनी फ्रॉक को थोड़ा एडजस्ट करो। आंट क्लैग ऑलवेज स्पोक टू देम एज इन दिस लाउड एम्पैथेटिक वे, एज इफ शी कंसिडर देम डेफ, और परहैप्स रादर इट वॉज मीन्स शी थॉट टू चेक नॉटी टेंडेंसीज। तो आंटी ग्लैग जो थी वो हमेशा इसी तरह से बोलती थी, ऊंची आवाज़ में बोलती थी, जैसे कि ये बच्चे कुछ बहरे हों या इडियट हों, ऐसे सोचती होगी। वेल माई डियर्स, सेड आंट पोलट, दूसरी आंट बोली, आंट पोलट इन ए कंपेशनेट वॉइस, कंपेशनेट मतलब थोड़ी सिंपैथेटिक वे में बोली, यू ग्रो वंडरफुली फास्ट, तुम बहुत जल्दी बड़े हो गए हो, एंड आई डाउट यू शैल आउट ग्रो देयर स्ट्रेंथ, और तुम बहुत बड़े बन जाओगे, मतलब स्ट्रेंथ से भी वो ज़्यादा हो जाओगी तुम्हारी स्ट्रेंथ ऐसे। शी एडेड लुकिंग ओवर देयर हेड्स विद ए मेलनचोली एक्सप्रेशन एट देयर मदर, थोड़े सैड एक्सप्रेशन में बोली वो, आई थिंक द जेल मतलब गर्ल हैज़ टू मच हेयर, मुझे लगता है इसके बहुत ज़्यादा हेयर बड़े हो गए हैं करके। आई वुड हैव इट थिन एंड कट शॉर्टर सिस्टर इफ आई वॉज यू। तो ये उसको सिस्टर बोलते हो, उसकी मदर को सिस्टर बोलते हुए बोल रही है, अगर मैं होती तो मैं इसके हेयर जो है छोटे छोटे कर देती, ऐसे वो बोल रही थी। ओके, इट मेक्स इट्स दैट एज मेक हर स्किन, ओके, हाँ, आई वुड थिन एंड कट शॉर्टर सिस्टर इफ आई वॉज यू, इट इज़ नॉट गुड फॉर हर हेल्थ, इट इज़ दैट एज मेक्स हर स्किन सो ब्राउन, आई शुड नॉट वंडर, डोंट यू थिंक सो सिस्टर डीन। तो सिस्टर डीन से बोलती, देखो इसके जो हेयर इतने बड़े हैं, हो सकता है इसकी हेल्थ भी इससे ख़राब हो जाए, और इसके जो स्किन का कलर है जो ब्राउन हो गया बिकॉज ऑफ इसके हेड ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए वजह से हो गया। आई कांट से आई एम श्योर सिस्टर, सेड मिसेस डीन शटिंग हर लिप्स क्लोज अगेन एंड लुकिंग एट मैगी विद ए क्रिटिकल आई। क्रिटिकल आई मतलब
थोड़ा सा फॉल्ट फाइंड करने की कोशिश कर रही थी इसके बालों में। नो नो सेड मिस्टर तुलियो। तो मिस्टर तुलियो बोले द चाइल्ड इज़ हेल्दी इनफ। द चाइल्ड मतलब बेटी जो है हेल्दी है। देर इज़ नथिंग एल्स हर। ऐसी कोई बीमार नहीं हो। देर एल्स का मतलब बीमार। देर इज़ अ रेड वाइट एज वेल एज वाइट। वो एक एग्जाम्पल दे रहा था कि रेड वीट भी होता है वाइट वीट भी होता है। फॉर दैट मैटर द सम लाइक द डार्क ग्रीन बेस्ट। कुछ लोग जो हैं डार्क ग्रीन अच्छा लगता है। तो इसकी ब्राउन स्किन है तो क्या हुआ। बट इट वुड बी एज वेल इफ बेसी। बेसी मीन्स मिसिज टुलिवर के लिए बोला है। बेसी वुड हैव द चाइल्ड हेयर कट सो इट एज इट वुड लाई स्मूथ। ओके जो जैसे मतलब मिसिज टुलिवर ने उसको जो अगर वो चाहेगी तो इसकी हेयर कट करा देगी और अगर वो थोड़े स्मूथ रहेंगे तो। ए डेडफुल रिजॉल्व वो गैदरिंग इन मैगी ब्रेस्ट। उसकी मतलब चेस्ट में उसके डॉटर की चेस्ट में मैगी की चेस्ट में तो रिजॉल्व मतलब एक डिटर्मिनेशन जो था मतलब गुस्सा जैसा उसका अंतर में आ रहा था। मैगी सैड मिसेज टुलिवर बेकोनिंग मैगी टू हर एंड विस्परिंग इन हर ईयर। बेकोनिंग मीन्स कॉल उसको बुलाया हाथ हिला के बुलाया हाँ और उसके ईयर में कुछ बड़े कुछ फुसफुसाई। गो एंड गेट योर हेयर ब्रश। आई टोल्ड यू नॉट टू कम इन विदाउट गोइंग टू मार्था फर्स्ट। यू नो आई डिड। मैंने तुमको बोला था पहले मार्था के पास जाना मतलब हेयर ब्रशिंग के लिए फिर आना। टॉम कम आउट विथ मी विस्पर्ड मैगी पुलिंग हिज स्लीव एज शी पास हिम। द टॉम फॉलोड विलिंगली इनफ। तो वो जब मैगी ऊपर आई तो अपने हाथ उसने भाई भाई टॉम को भी लेके आ गई। कम अपस्टेयर्स विथ मी टॉम शी विस्पर्ड व्हेन दे वर आउटसाइड द डोर। देर इज़ समथिंग आई वॉन्ट टू डू बिफोर डिनर। ऐसा कुछ है जो बिफोर डिनर में करना चाहती हूँ। टॉम फॉलोड मैगी अपस्टेयर इनटू हर मदर रूम एंड सॉ हर गो एट वंस एट अ ड्रॉअर टू ए ड्रॉअर फ्रॉम विच शी टुक आउट ए लार्ज पेयर ऑफ सीजर। फिर उसने देखा कि उसने एक बड़ी सीजर निकाल ली। वॉट आर दे फॉर मैगी सेड टॉम फीलिंग हिज क्यूरियोसिटी अवेकेंड। तो तुम इससे क्या करना चाहती हो। मैगी आंसर्ड बाई सीजिंग हर फ्रंट लॉक एंड कटिंग दैम स्ट्रेट अक्रॉस द मिडल ऑफ हर फोरहेड। और मैगी ने क्या किया। मैगी ने जस्ट उसको अपनी जो फ्रंट लॉक जो मतलब जो उसके बालों के गुच्छे थे उसको पकड़ा और काट दिया ऊपर वालों से। ओ माई बटन्स मैगी यू शैल कैच इट। यू कैच इट का मतलब तुम मुसीबत में फंस जाओगी। एक्सलेम टॉम यू वुड बेटर नॉट कट एनी मोर ऑफ। तुम और मत काटो उनको। उसने उसको वार्निंग किया। स्निप वेंट द ग्रेट सीजर्स अगेन वाइल टॉम वॉज स्पीकिंग। और उसने फिर वो और काट दी गई। एंड ही कुड नॉट हेल्प फीलिंग इट वॉज रादर गुड फन। मैगी वुड लुक सो क्वीर। और वो उसको थोड़ा फनी लग रहा था टॉम को। मैगी जो थी बड़ी अजीब सी लग रही थी क्वीर सरप्राइज मतलब अजीब सी दिख रही थी। ये टॉम कट इट बिहाइंड फॉर मी उस साइड मैगी एक्साइटेड बाई हार्ड ओन डेयरिंग एंड अनएक्सेस टू फाइंड फिनिश द डीड। तो उसने टॉम को बोला कि तुम मेरे पीछे के बाल काट दो क्योंकि वो और थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी अपनी डेयरिंग के कारण में और थोड़ी अपने काम को ख़त्म करना चाहती थी। यू शैल कैच इट। यू नो कैच इट का मतलब तुम मुसीबत में फंस जाओगी। यू नो सेड टॉम हेजिटेटिंग ए लिटल एज ही टुक द सीजर। नेवर माइंड मेक हैस्ट सेड मैगी गिविंग ए लिटिल स्टाम्प विद द हॉट फुट। कोई बात नहीं तुम जल्दी से करो। उसने अपने पैर जो है नीचे थपथपाते हुए बोली। वन डिलीशियस ग्राइंडिंग स्निप एंड देन अनदर एंड अनदर एंड द लॉक्स फेल हैवीली ऑन द फ्लोर एंड द मैगी स्टूड क्रॉप्ड इन ए जैगेड अनइवन मैनर बट विद द सेंस ऑफ क्लियरनेस एंड फ्रीडम एज शी हैड इमर्ज फ्रॉम द वुड इन टू द ओपन प्लेन। और वो काटता ही गया काटता ही गया। अब थोड़ी देर में देखा कि मैगी के जो बाल हैं एकदम अनइवन मैनर में कट गए बट मैगी को थोड़ा अच्छा लग रहा था। थोड़ा वो क्लियरनेस ऑफ फ्रीडम आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वुड से एकदम प्लेन ओपन प्लेन में आ गई हो। ओ मैगी सेड द टॉमिंग टॉम जंपिंग अराउंड द हर एंड स्लैपिंग हर नीज एज ही लाफ्ड। ओ माई बटन्स व्हाट ए क्यूट थिंग यू लुक लुक एट यूर सेल्फ इन द ग्लास। ओ मैगी वो हंसने लगा टॉम और अजीब जी से बोला देखो देखो तुम कितने अजीब से दिखने रही हो। ओके और बड़ी ऑड सी दिख रही करके बोला। मैगी फेल्ट एन अनएक्सपेक्टेड पैंग। उसको एकदम फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस आ गया। पैंग मतलब एकदम हार्ट पेन आ गई मतलब वो एकदम थोड़ी सी दुखी होगी। शी हैड थॉट हर बिफोर हैंड चीफली ऑफ हर ओन डिलीवरेंस। ओके शी हैड थॉट मतलब
और डिलीवरेंस का मतलब यहाँ पे डिलीवरेंस का मतलब दिया है द स्टेट ऑफ बीइंग सेव्ड फ्रॉम द एविल। तो वो थोड़ी एकदम उसको सोचना चाहिए था पहले, वो सोचने लगी कि मुझे ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था, एंड टीजिंग रिमार्क अबाउट इट, बट नाउ देन टॉम बिगन टू लाफ एट हर एंड सी एंड एंड से शी लुक लाइक एन ईडियट। बट अभी टॉम हंसने लगा था, वो बोला कि तुम तो ईडियट जैसे दिख रही हो। द अफेयर हैड क्वाइट ए न्यू एस्पेक्ट। अभी पहले भी उसको लोग उसके बालों की वजह से टीज कर रहे थे, और अब और भी ज़्यादा टीज करेंगे करके उसको लगने लगा। शी लुकड इन द ग्लास एंड टिल स्टॉम लाफ्ड एंड क्लैप्ड हिज हैंड एंड मैगी फ्लश चिक्स बिगेन टू पेल एंड हर लिप्स टू ट्रेम्बल ए लिटिल। उसने अपने आप को ग्लास में देखा, वो टाइम में टॉम हंस ही जा रहा था, और मैगी के जो जो चीक्स रेड चीक थे वो पीले पड़ गए, और उसके लिप्स जो थे कांपने लगे। डोंट लाफ एट मी टॉम, सेड मैगी इन ए पैशनेट टोन विथ एन आउटबर्स्ट ऑफ एंग्री टीयर स्टैम्पिंग एंड गिविंग हिम ए पुश। वो टॉम को बोली डोंट लाफ एट मी, और पैशनेट मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ में वो बोली, विथ एन आउटबर्स्ट ऑफ एंग्री टीयर, उसके अंदर में एंगर के टीयर थे, और उसको थोड़ा धक्का देते हुए बोली नाउ देन स्पिट फायर। आया अब तुम क्या फायर उगलोगी, मतलब तुम बहुत ज़्यादा एंग्री हो गई हो, सेड टॉम। व्हाट डिड यू कट इट ऑफ फॉर देन, तुमने इसको काटा ही क्यों था। आई शैल गो डाउन, आई कैन स्मेल द डिनर कमिंग गोइंग इन। मैं नीचे जा रहा हूँ, मुझे डिनर की स्मेल आ रही है, मतलब अच्छी खुशबू आ रही है। ही हरिड डाउन स्टेयर एंड लेफ्ट पुअर मैगी टू द बिटर सेंस ऑफ इरिवोकेबल। उसने वहीं पे उसने वो नीचे चला गया और मैगी को वहीं छोड़ दिया। अब वो इरिवोकेबल मतलब उसके पास वापस पीछे जाने का कोई चांस नहीं था, बाल उसने काट दिया, अब कुछ नहीं कर सकती थी। शी कुड सी क्लियरली इनफ नाउ द थिंग हैज़ डन दैट इट वॉज हर फुलिश, इट वॉज वेरी फुलिश एंड दैट शी शुड हैव टू हियर एंड थिंक मोर अबाउट हर हेयर देन एवर। अब उसको लगा कि पहले जो लोग टीज करते थे, अब तो और इसके ऊपर टीज करेंगे क्योंकि बाल ठीक से कटे नहीं हैं। फॉर मैगी रेस्ट टू हर डीज विद पैशनेट इम्पल्स। मैगी ने ये काम कर तो दिया बिकॉज उसके अंदर में एकदम से फीलिंग आई थी कि जल्दी से मैं कुछ ना कुछ कर दूँ मेरे हेयर के बारे में, और उसने काट दिए। एंड देन सॉ नॉट ओनली देयर कॉन्सिक्वेंस, बस उसने ये नहीं सोचा कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। बट वॉट वुड हैव हैपन इफ दे हैड नॉट बीन डन, बट क्या होता अगर उनको काटा नहीं जाता। टॉम नेवर डिड द सेम फुलिश थिंग्स एज मैगी। टॉम कभी इस तरह की चीज़ें नहीं करता था जैसे मैगी करती है। हैविंग ए वंडरफुल इंस्टिंक्टिव डिस्कर्नमेंट ऑफ वॉट वुड टर्न टू बी हिज एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो इम्पल इंस्टिंक्ट मतलब जो बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट होता है, डिस्कर्नमेंट मतलब इनएबिलिटी टू शो गुड जजमेंट। तो मैगी इतना बढ़िया जजमेंट नहीं ले पाती थी जैसा टॉम लेता है, और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज सोचता है, बट ये इसने ऐसा कुछ नहीं सोचा। देन मैगी एज शी स्टूड क्राइंग बिफोर द ग्लास फेल्ट इट इम्पॉसिबल दैट शी शुड गो डाउन टू डिनर एंड एंड्योर द सीवियर आइज एंड सीवियर वर्ड्स ऑफ आवर आंट्स वाइल टॉम एंड कजिन लूसी एंड मार्था हु वेटेड फॉर द टेबल एंड परहैप्स हर फादर एंड अंकल्स वुड लाफ एट हर फॉर इफ टॉम हैड लाफ एट हर ऑफकोर्स एवरी वन वुड एल्स। तो मैगी वहाँ पर वहीं खड़ी थी ग्लास में और सोचती रही कि उसके लिए नीचे जाना एकदम से इम्पॉसिबल है, और वो सहन नहीं कर पाई, इंडिया मतलब सहन नहीं कर पाएगी लोगों की घूरती हुई आइज़ को और ऐसे ऐसे वर्ड्स को जो उसकी आंटे बोलेगी टॉम और टॉम और ये सब जो उसके ब्रदर और सिस्टर जो है वो सब उसके ऊपर हंसेंगे, क्योंकि टॉम हंसा है तो बाकी लोग भी हंसेंगे, ऐसा वो सोच रही थी। मैगी यू लिटिल सिली सेड द टॉम पीपिंग इनटू द रूम 10 मिनट्स आफ्टर। 10 मिनट के बाद में मैगी टॉम जो है आया। मैगी सिली यू व्हाई डोंट यू कम एंड हैव योर डिनर, तू नीचे क्यों नहीं आती और अपना डिनर क्यों नहीं करती है। देर इज़ लॉट्स ऑफ गुडीज एंड मदर से यू आर टू कम, वट आर यू गोइंग फॉर यू लिटिल स्पूनी। तुम मतलब तुम नीचे क्यों नहीं आ रही है, और देखो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं खाने के लिए। वो एंड वो बोली तुम स्टूपिड हो, स्पूनी स्पूनी का मतलब है फुलिशली सेंटिमेंटल हो रही हो। ओ इट वाज ड्रेडफुल, ये बड़ा सैड है। टॉम वाज सो हार्ड एंड अनकंसर्न, टॉम बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है, मैंने मेरे बाल ऐसे हो गए और मैं बड़ी क्यों अजीब सी दिख रही हूँ। एंड देर वॉज द डिनर सो नाइस एंड शी वॉज सो हंग्री, इट वॉज़ वेरी बिटर। तो बड़ी उदास हो गई। But Tom was not altogether hard. He went and put his head near her and said in a lower comforting tone, "Won't you come then, Maggie? Shall I bring you a bit of pudding when I had mine?" क्या तुम नहीं नीचे नहीं आओगी
क्या मैं तुम्हारे लिए पुडिंग ले गया, लेके आ जाऊँ जब मैं खा लूँगा तब? यस सर मैगी बिगिनिंग टू फील लाइक ए लाइफ ए लिटिल मोर टॉलरेबल। ओके देन उसको थोड़ा कंफर्ट लगा कि हाँ चलो थोड़ा तो कुछ अच्छा हो रहा है। वेरी वेल सेड द टॉम गोइंग अवे, बट ही टर्न अगेन एट द डोर एंड सेड, बट यू वुड बेटर कम, यू नो देर इज़ अ डेजर्ट्स नट्स यू नो एंड द काउस्लिप वाइन। फिर वो वापस गया और फिर वापस आके बोलता है कि तुम अच्छा होगा, तुम वापस तुम नीचे आ जाओ, वहाँ पर डेजर्ट है, मिठाई है और वो काउस्लिप वाइन है करके एक तरह की वाइन भी दिखाया, वाइन मेड फ्रॉम पेटल्स ऑफ द काउस्लिप फ्लावर। ओके मैगी टीयर हर्सीज, उसके टीयर जो थे मतलब बंद हो गए, एंड शी लुक रिफ्लेक्टिव एज टॉम लेफ्ट हर। हिज गुड नेचर हैड टेकन ऑफ द कीनेस्ट एज ऑफ आर सफरिंग एंड नट्स विद द काउस्लिप वाइन बिगेन टू असर्ट देयर इन्फ्लुएंस। तो उसकी जो गुड नेचर जो थी टॉम की, वो थोड़ा उसका दुख थोड़ा कम हुआ, और जो काउस्लिप वाइन का जो था जो जिस जो उसको पसंद था वो उसको खींचने लगा। स्लोली शी रोज फ्रॉम द अमंग सारे स्कैटर्ड लॉक्स एंड स्लोली शी मेड हर वे डाउन स्टेयर। तो धीरे धीरे वो जहाँ पे जो उसके जो बालों के गुच्छे बिखरे हुए थे नीचे, वहाँ से उठी और नीचे जाने के लिए हुई। शी स्टूड लीनिंग अगेंस्ट दी पार्लर डोर पीपिंग इन वॉट इट वॉज अजार। तो डोर की तरफ, पार्लर डोर की तरफ थोड़ी झांक के देखा उसने। शी स्लिप्ड इन एंड वेंट टूवर्ड्स एन एम्प्टी चेयर, आज एकदम से नीचे निकली और एक एम्प्टी चेयर पर जाके बैठ गई। बट शी हैड नो सूनर सेट डाउन देन शी रिपेंटेड एंड विश हर सेल्फ बैक अगेन। बट उसने उसी टाइम में उसको लगा कि जैसी बैठी तो उसको थोड़ा वापस से पछता हुआ कि मैं क्यों आई, और उसकी इच्छा हुई कि मैं वापस चली जाऊँ। मिसिज टुलीवर गेव ए लिटिल स्क्रीम एज शी सॉ हर एंड फेल्ट सच अ टर्न दैट शी ड्रॉप द लार्ज ग्रेवी स्पून इन टू द डिश विद द मोस्ट सीरियस रिजल्ट टू द टेबल क्लॉथ। तो मिसेस टुलियो ने जैसे ही उसको देखा वो एकदम सरप्राइज हो गई, तो उसका हाथ में से ग्रेवी स्पून नीचे मतलब टेबल क्लॉथ पे गिर गया। मिसेस टुलियो स्क्रीम मेड ऑल आइज टुवर्ड्स द सेम पॉइंट, हर ओन एंड मैगी चीक्स एंड ईयर्स बिगेन टू बर्न। और जैसे ही मिसेस टुलर ने ये जैसे सरप्राइज हुई, जैसे चिल्लाई, तो सब लोग मैगी की तरफ देखने लगे। वाइल अंकल ग्लैग ए काइंड लुकिंग वाइट हेयर ओल्ड जेंटलमैन सेड हेड ए। तो अंकल गए, अंकल ब्लैक जो थे वो थोड़े काइंड लुकिंग लगते थे, वो बोले हे डे हे डे, मतलब सरप्राइज हुआ है, थॉट सरप्राइज, हे व्हाट लिटिल गर्ल दिस, व्हाई आई डोंट नो हर, इज सी सम लिटिल जेल लिटिल गर्ल यू हैव पिक्ड अप इन द रोड केजिया। तो क्या ये केजिया है जो तुम रोड से पकड़ के लाए थे, वो कौन ये लड़की है, ऐसे वो बोलने लगे। व्हाई शी हैज़ गॉन एंड कट हेयर हर हेयर हर सेल्फ सेड मिसेस टुलीवर मिस्टर टुलीवर इन एन अंडर टोन टू मिस्टर डीन लाफिंग विथ मच एंजॉयमेंट। इसने अपने आप के क्यों बाल काट लिए? और फिर वो डीन के मिस्टर डीन की तरफ मतलब देख के हंसने लगे, उनकी दोनों मजे लेने लगे। फी फी मतलब एक्सप्रेशन ऑफ डिसगस्ट फॉर शेम सेड आंट ग्लैग इन हर लाउडेस्ट सीवियरेस्ट टोन ऑफ रीप्रूफ। तो आंट ग्लैंग जो थी वो भी इसके ऊपर हंसने लगी, रिप्रूव मतलब डिसअप्रूवल वे में। लेट्स लिटिल गर्ल्स एज कट देयर ओन हेयर शुड बी विप्ड एंड फेड ऑन ब्रेड एंड वाटर। जो गर्ल्स हैं अपने अपने बाल खुद ही काट लेती, उनको कोड़े मारने चाहिए और उनको खाली ब्रेड एंड वाटर देना चाहिए, नॉट कम एंड सिट डाउन विद देयर आंट्स एंड अंकल, और उनको उसके आंट और अंकल के पास आके बैठना नहीं चाहिए। ए ए सैड अंकल ग्लैग मीनिंग टू गिव ए प्लेफुल टर्न टू दिस शी मस्ट बी सेंट टू गोल आई थिंक एंड दे शैल कट द रेस्ट ऑफ हर हेयर ऑफ देयर एंड मेक इट ऑल इवन। तो अंकल ग्लैग बोल रहे थे इसको जेल में भेज देना चाहिए, वहाँ के भाई उसके बाल जो है अन ईवन, अभी जो अन ईवन कटे हैं वो लोग इसके इवनली काट देंगे। शी इज़ मोर लाइक ए जिप्सी नॉट एवर नॉर एवर सेट ऑन्ट पैलेट इन ए पिटिंग टोन। ये जिप्सी जैसी दिख रही है। It is very bad luck, sister, as the girl should be so brown, the boy fair enough. तो इस तरह से वो सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। She is a naughty child. I shall break, as she shall break her mother heart, said Mrs. Tulliver with tears in her eyes. ये naughty girl है, इसने मेरा heart break कर दिया करके बोल रही है उसकी मदर। Maggie seems to be listening as a चोरस ऑफ रिप्रोच, हर फर्स्ट फ्लश केम फ्रॉम द एंगर विच गेव हर ए ट्रांजिट पावर ऑफ डिफाइंस। तो मैगी जो थी ये सब लिसनिंग कर रही थी सब,
और उसके जो फ्लश जो मतलब उसका एंगर उसके अंदर आया वो थोड़ा ब्रीफ भी, उसको थोड़ी पावर ऑफ डिफेंस दिया, मतलब अपने आप को वो डिफेंड करने चाहती थी। टॉम विस्पर्ड, ओ माई मैगी आई टोल्ड यू यू वुड कैच इट, मैंने बोला था तुमको प्रॉब्लम हो जाएगी। ही मीन टू बी फ्रेंडली बट मैगी फेल्ट कन्विंस दैट टॉम वॉज रिजॉइसिंग इन हर शेम। वो थोड़ा फ्रेंडली था बट मैगी सोच रही थी ये भी मजे ले रहा है। हर फीबल पावर ऑफ डिफेंस लेफ्ट हर, जो थोड़ी पावर जो थी आई थी उसके पास वो भी चली गई। हर हार्ट स्वेल्ड एंड गेटिंग अप फ्रॉम हर चेयर शी रैन टू द हर फादर हिड हर फेस ऑन हिज शोल्डर एंड बस्ट आउट इन टू द लाउड सोबिंग। तो उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई, तो वहाँ से उठी वो और अपने फादर के पास गई और अपना सर जो है उनके शोल्डर पर रख के रोने लगी। काम काम सेड हर फादर सूथिंग पुटिंग हिज आर्म अराउंड हर, नेवर माइंड यू वॉज राइट टू यू यू वॉज राइट टू कट इट ऑफ एट इट प्लेग यू गिव गिव ओवर क्राइंग फादर शेल टेक योर पार्ट। तो उसको थोड़े से समझाते हुए बोले अपने, कोई बात नहीं, ये तुम्हारा राइट था क्योंकि ये तुम कोई परेशान कर रहे थे तो हेयर तो तुमने काट लिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ करके उसने बोला। डिलीशियस वर्ड्स ऑफ टेंडरनेस, वो कितने अच्छे वर्ड्स लगे फादर के उसको। मैगी नेवर फॉरगेट एनी ऑफ दिस मोमेंट्स व्हेन हर फादर टुक हर पार्ट। तो मैगी ने इस मोमेंट को कभी भी नहीं भूली कि फादर ने जो है उसका उसका पार्ट लिया, मतलब उसकी उसको फेवर किया। सी केप्ट देम इन हर हार्ट एंड थॉट ऑफ देम लॉन्ग ईयर आफ्टर। और उसने अपने इन वर्ड्स को अपने हार्ट में रखा और उनके बारे में काफ़ी सालों तक उसके बारे में सोचती रही। तो ये एक चैप्टर था जॉर्ज एलियट का, होप यू अंडरस्टूड इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।